ये हल्दी को सायन को हमारे कमरे में नहीं आने देंगे और आज रात हम गर्व जी को भी इस कमरे से नहीं जाने देंगे। हे दुर्गा माँ, हमें अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए आपके इस अभिमंत्रित त्रिशूल की जरूरत है। अब आपका ये त्रिशूल ही उस ऋषिका का घमंड तोड़ पाए। हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, पर आज हम आपका आशीर्वाद लेकर ही रहेंगे। अब ऋषिका नहीं, गौरी ही गौरी को खत्म करेगी। गौरी का रूप लेकर मैं गर्व को बाहर निकालूंगी। गर्व जी, जरा एक मिनट के लिए बाहर आइए ना। तुमने खुद मुझे कसम दी थी इस कमरे से बाहर ना निकलने की, फिर तुम मुझे खुद बाहर क्यों बुला रही हो? कह रही थी कि तुम एक टायर हो। जो तुम ढूंढ रही हो वो यहां हमारे पास है। नहीं गौरी, नहीं, इस हरकत का नतीजा बहुत बुरा होगा। या बुरे के लिए नहीं, ये लड़ाई हम अपने सुहाग के लिए कर रहे हैं। भोलेनाथ, आज मेरे जिंदा होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ गौरी का हाथ, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए आज आपको अपना हाथ बढ़ाना होगा। भोलेनाथ, अपनी उस गौरी को बचा लीजिए। जी के बताए तरीके से हमने ऋषिका को आईने में कैद कर दिया है। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। जिसे तुम गौरी समझ रहे हो, असल में वो मैं हूँ, ऋषिका, क्योंकि मैंने गौरी के शरीर में कब्जा कर लिया है। अब मैं तुम्हें गौरी बन के हासिल करूंगी घर, और इस दुनिया से दूर अपनी काली दुनिया में अपने साथ ले जाऊंगी। आओ घर मेरे पास। से पहले कि कोई दिव्य शक्ति मुझे नष्ट कर दे, अपना पैर इस चक्र के अंदर रखो ना, ताकि मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हें अपने साथ ले जा पाऊं। गर्व जी,
हमारा नाम है गौरी। हमारी आगे की कहानी को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और देखते रहिए हमारा शो लाल बनारसी सोमवार से शुक्रवार शाम 8 बजे सिर्फ नजारा टीवी पर।